सुप्रभात बच्चों, कक्षा एक हिंदी में आप सभी का स्वागत है। बच्चों, कल हम कर रहे थे हमारी हिंदी पाठ्य पुस्तक खुलते पंख का पाठ 13। बच्चों, पाठ 13 है खेत ही खेत, पाठ 13 खेत ही खेत। अब बच्चों, पाठ हमने पढ़ लिया था और समझ भी लिया था और कल हम कर रहे थे इसका अभ्यास। तो बच्चों, कल हमने कुछ शब्दों को देखा था जिनमें हमने एक ही मात्रा लगाई, कुछ वर्णों को लेकर के उसमें एक ही मात्रा लगाई थी और उसे शब्द बनाए थे। तो बच्चों, वो वर्ण थे, पहला अभ्यास आपका पढ़ो और समझो, पढ़ो और समझो, पढ़ो और समझो, हम इसे पढ़ेंगे और समझेंगे। तो बच्चों, यहाँ पे हमें करके दिया हुआ, सिर्फ हमें उसे देख करके पढ़ना और समझना है। तो पहला वर्ण था ब, पहला वर्ण था ब, दूसरा वर्ण है ख, तीसरा वर्ण है क और र, तीसरा वर्ण है क और चौथा वर्ण है र। अब बच्चों, इन शब्दों पर हमें मात्रा लगानी है और कौन सी मात्रा लगानी है, क्योंकि इस पाठ में हम एक ही मात्रा पढ़ रहे थे तो हम एक ही मात्रा लगाएंगे और इनको का उच्चारण सीखेंगे, मात्रा लगाना सीखेंगे, फिर उसे शब्द बनाएंगे। अभी तक बच्चों आपने पाठ भी पढ़ लिया है, कई सारे मात्रा लगा करके शब्द भी पढ़ने और बनाने सीखे हैं, तो आप आराम से बना सकते हैं। तो चलिए, तो बच्चों यहाँ पे हम ब पर एक ही मात्रा लगाएंगे। एक ही मात्रा हम कैसे लगाते हैं, एक तिरछी या एक चोटी द्वारा। हमने ब पर एक तिरछी या एक चोटी लगाई और एक ही मात्रा लगाई, ब और ए बना बे, ब के साथ एक ही ध्वनि मिलाकर हमने बनाया बे। उसके बाद ख, ख पर एक ही मात्रा बना खे, ख, ख पर एक ही मात्रा खे, क, क पर एक ही मात्रा के, र पर एक ही मात्रा रे। तो इस तरह से बच्चों, जब भी हम किसी भी वर्ण पर या किसी भी व्यंजन के साथ मात्रा लगाते हैं तो वो मात्रा लग करके के वर्ण के ध्वनि के साथ पढ़ी जाती है। जैसे ब ए बे, ख ए खे, ग ए के, र ए रे। उसके बाद शब्द बनेगा बच्चों, आप देख सकते हैं ब से बना बे र बेर, ब से बना बे ल बेर, ब से बना बे स न बेसन। उसी तरह से ख से बना खे, ख ए खे, ख ए ल खेल, ख से बना खे, ख से बना ख ए खे ल, और बना रखे, र ख पर एक ही मात्रा खे रखे। उसके बाद क, क से बना के ला केला, क से बना के सर केसर, क से बना के वड़ा केवड़ा, वड़ा के बुक में क्या दिया हुआ है, क से पके केसर। तो ये सारे शब्द बने। उसके बाद र, र से बना रे, रे ल रेल, रे त रेत, रे श म रेशम। तो ये सारे शब्द बने एक ही मात्रा से, हमने वर्ण और मात्रा मिलाकर के शब्द बनाए और इन्हें पढ़ना और लिखना दोनों सीखा। तो बच्चों, मुझे उम्मीद है आपको सारे शब्द जो भी हमने अभी तक बनाए वो समझ में आ गए होंगे और आप आराम से एक ही मात्रा लगा करके उसे लिख भी सकते हैं, उसे शब्द भी बना सकते हैं और उसे पढ़ भी सकते हैं। तो बच्चों चलिए पढ़ते हैं, ब बे बेल बेल बेसन, ख खे खे खेल रखे, क के केला केसर केवड़ा, र रे रेल रेत रेशम।
इस तरह से हम इन शब्दों में मात्रा लगा करके हमने इसे पढ़ा, हमें पढ़ना भी आ गया और अब हमें जरूरत पड़ने पे हम मात्रा लगा करके शब्द भी बना सकते हैं। तो चलिए बच्चों, यह था हमारा पहला अभ्यास। उसके बाद कुछ अभ्यास थे जिसमें हमने चित्र देख करके जिसे पूरा किया था। तो बच्चों पृष्ठ संख्या 44 में आप देख सकते हो, यहाँ पे चित्रों को नाम से मिलाओ, यहाँ पे जो चित्र दिए गए हैं उनको हमें नाम से मिलाना है। तो चित्र है, सबसे पहले आप देख सकते हैं पेट का चित्र है, उसके बाद दूसरा चित्र है मेज का, फिर है चेहरा, उसके बाद दूसरी तरफ आप देख सकते हैं करेला, पेड़ और जेवर। अब आप इन चित्रों को इनके नामों के साथ मिलाएंगे, जो शब्द लिखे गए हैं उनके साथ मिलाएंगे, पेट को पेट के साथ मिलाएंगे, मेज को मेज के साथ मिलाएंगे, चेहरा को चेहरा के साथ मिलाएंगे, करेला को करेले के साथ मिलाएंगे, पेड़ को पेड़ के साथ मिलाएंगे और जेवर को जेवर के साथ मिलाएंगे। अब चलिए हम जो शब्द यहाँ लिखे हैं एक बार पढ़ते हैं मात्रा लगा करके। चौपे की मात्रा चेहरा चेहरा, पौपे की मात्रा पेट पेट, मौपे की मात्रा मेज मेज, पौपरे की मात्रा पेड़ पेड़, जपरे की मात्रा जेवर जेवर, क रपरे की मात्रा रे, लपरा की मात्रा ला करेला। इस तरह से बच्चों इनको इनमें हम मात्रा लगा करके हमने इनको पढ़ा, हमें पढ़ना आ गया और चित्र देख करके पहचानना भी आ गया, तो हम आसानी से इनको इनके चित्रों के साथ मिला करके इस अभ्यास को पूरा कर लेंगे। कल भी हमने इसे किया था और मुझे उम्मीद है आपको समझ में आ गया होगा। उसके बाद अगला प्रश्न जो हमने कल किया था बच्चों, पढ़ो और समझो। इसमें हमने इनको पढ़ा था और समझा था कि इसमें क्या हुआ है। तो चलिए पहले हम इसे लिख लेते हैं तो हमें समझने में ज़्यादा आसानी होगी। हम समझ चुके हैं इसे, एक बार हम दोहरा रहे हैं। तो चलिए बच्चों यहाँ पे कुछ प्रश्न है, कुछ अभ्यास है। पढ़ो, प ढ पर ओ की मात्रा, पढ़ो पढ़ो और समझो, और स म झो, पढ़ो और समझो। अब यहाँ पे हम देख सकते हैं बच्चों, पहले चित्र में एक केला है, एक केला, तो हमने लिखा केला, क कपरे की मात्रा के, ल परा की मात्रा ला। दूसरे चित्र में एक करेला है तो हमने लिखा क रे, ल परा की मात्रा ला करेला। एक खीरा है तो हमने लिखा खीरा, ख बड़े की मात्रा र पर आ की मात्रा रा खीरा। एक पेड़ा है हमने लिखा क परे की मात्रा पे, र पर आ की मात्रा रा पेड़ा। अब दूसरी तरफ आप देख सकते हैं बच्चों, हमारे पास है एक से अधिक केला है तो हमने लिखा केले, और एक से अधिक करेला है तो हमने लिखा क रे, ल पर आ की मात्रा ल पर ए की मात्रा करेले। फिर है ख बड़ी की मात्रा र पर ए की मात्रा खीरे। फिर है प ए की मात्रा पे अड़े पेड़े। अब बच्चों आप यहाँ पे देख सकते हो कि जो यहाँ पे अभ्यास हमने करके दिया हुआ है, इसमें हमने पहले पंक्ति में हमारे पास एक वस्तु है तो उसके लिए हमने एक लिखा है, और एक से अधिक वस्तु है तो उसके लिए हमने, अगर केला एक है तो हमने लिखा है एक केला, और अगर अधिक है तो हमने केले लिखा है। यहाँ पे एक है करेला, करेला, अधिक है करेले, खीरा खीरे, पेड़ा पेड़। अब बच्चों जो भी शब्द जिसके आखिर में आ की मात्रा होती है, केला आ की मात्रा, करेला आ की मात्रा, खीरा आ की मात्रा, पेड़ा आ की मात्रा, तो जिन भी शब्दों पर आ की मात्रा होती है उसका हम बहुवचन बनाते हैं, अनेक रूप बनाते हैं, तो उसको एक ही मात्रा कर देते हैं। तो बच्चों यहाँ पे हमने क्या पढ़ा और सीखा, पहली पंक्ति में एक वस्तु दी गई है और दूसरी पंक्ति में हमें में एक से अधिक वस्तु दी गई, यानी पहली पंक्ति में एक है यानी एक वचन है और दूसरी पंक्ति में एक से अधिक यानी अनेक है, एक से अधिक यानी अनेक है। तो यहाँ पे हम वचन पढ़ रहे हैं, वचन दिए गए शब्दों के वचन बदल करके लिखे गए हैं, और जब हम वचन बदलते हैं तो एक से अनेक बनाते हैं, एक वचन से बहुवचन बनाते हैं। तो एक वचन में हमारे पास सभी वस्तुएं एक हैं और बहुवचन में सभी वस्तुएं एक से अधिक हैं। उसके अलावा बच्चों जब हम एक से अनेक बनाते हैं तो जो भी शब्द है उसके पीछे वाले शब्द पर दिए गए मात्रा को पर ध्यान देते हैं, अगर उस मात्रा में आ की मात्रा है
तो बहुवचन बनाते समय उस सभी आ की मात्रा को हम एक ही मात्रा में बदल देंगे और बहुवचन बन जाएगा। जैसे केला केले, करेला करेले, खीरे खीरा खीरे, पेड़ा पेड़े। यहाँ सभी में आ की मात्रा है, केला करेला खीरा पेड़ा, और उसी तरह केले करेले खीरे पेड़े। तो यहाँ पे सब आ की मात्रा सभी एक ही मात्रा में बदल गए और इस तरह से एक वचन वाले शब्द बहुवचन बन गए। इससे बच्चों हमें जो भी पढ़ा एक बार दोहरा लिया, हमने बहुवचन पढ़े हैं, हमने वचन पढ़ा है, वचन हमने व्याकरण में भी पढ़ा है। वचन का मतलब होता है एक और अनेक, कोई भी वस्तु या तो एक होती है या तो अनेक होती है। तो एक के बाद अगर वो वस्तु दो भी हो जाती है तो हम उसे अनेक कहते हैं। तो यहाँ पे बच्चों एक से अनेक बनाने को हम वचन बदलना कहते हैं। तो यहाँ पे भी ये गए एक वचन के शब्दों का हमने वचन बदलकर उसे बहुवचन बना लिया। तो बच्चों वचन का मतलब होता है संख्या, वो शब्द जिससे हमें किसी भी वस्तु की संख्या पता चले, मतलब कि कोई भी सामान है उसकी अगर हम उसका हमें नंबर पता चले तो हम उसे वचन कहते हैं। ये सभी संज्ञा शब्द होते हैं, जिनके भी नंबर हम यहाँ पढ़ रहे हैं या बदल रहे हैं वचन, जिसकी भी की संख्या हमें पता चले वो सभी एक संज्ञा शब्द है। जैसा कि आप जानते हो केला करेला खीरा पेड़ा ये सभी नाम है। केला फल का नाम है, करेला सब्जी का नाम है, खीरा सब्जी का नाम है और पेड़ा मिठाई का नाम है। अब इन सभी आ की मात्रा वाले नामों को हम एक ही मात्रा में बदलेंगे तो वो हो जाएगा, वो क्या हो जाएगा, जब हम आ की मात्रा वाले शब्दों को एक ही मात्रा में बदलेंगे तो वो हो जाएगा बहुवचन। तो यहाँ पे हमने एक वचन वाले शब्दों को बहुवचन में बदल करके उसके का वचन बदला है। और इस तरह से बच्चों एक के लिए हम इन शब्दों का प्रयोग करते हैं, जैसे कि केला करेला खीरा पेड़ा, और वही अधिक हो जाएंगे तो करेले केले करेले खीरे पेड़े। अब केला केला केले करेला करेले खीरा खीरे पेड़ा पेड़े। तो इस तरह से बच्चों हमने यहाँ पे वचन बदला। वचन दो प्रकार के होते हैं, एक वचन और बहुवचन। एक वचन में कोई भी वस्तु एक होती है और बहुवचन में कोई भी वस्तु एक से अधिक होता है। तो बच्चों उम्मीद है आपको समझ में आ गया होगा। चलिए हम अगला अभ्यास करते हैं। तो बच्चों अगला हमारा अभ्यास है सुनकर लिखो। यहाँ पे हमें पाठ से संबंधित कुछ कठिन शब्द दिए गए हैं जिनको हम एक बार सुन करके लिखेंगे, मतलब ये श्रुति लेख वाले शब्द हैं जिसका आपको श्रुति लेख बोला जाएगा, श्रुत लेख बोला जाएगा और आप उसे सुनकर लिखेंगे। तो चलिए इन बच्चों को इन शब्दों को लिख करके इनका अभ्यास कर लेते हैं। तो बच्चों यहाँ पे शब्द है, आप इसे जोर जोर से बोल करके पढ़ेंगे, सुन कर लिखो। जब भी आपको बोला जाएगा आप उसे सुनकर लिखेंगे, सुनकर लिखो। अब हमारे पास जो शब्द है, पहला शब्द है हमारे पास सहेली। स ह पर ए की मात्रा, हे ल पर बड़ी की मात्रा, ली सहेली। उसके बाद स ह पर ए की मात्रा, हे ल पर बड़ी की मात्रा, ली सहेली। फिर है म, म पर ए की मात्रा, में ल पर आ की मात्रा, ला मेला। म, म पर ए की मात्रा, में ल पर आ की मात्रा, ला मेला। फिर है स व पर ए की मात्रा, वे र पर आ की मात्रा, रा सवेरा। फिर है हमारे पास ज, ज ल पर ए की मात्रा, ले व पर बड़ी की मात्रा, बी जलेबी। फिर है पांच पर हमारे पास है च, म पर ए की मात्रा, में ल पर बड़ी की मात्रा, ली चमेली। फिर है छह पे है ड, ल पर छोटी की मात्रा, ली य पर आ की मात्रा, या डलिया। फिर है भ, भ पर ए की मात्रा, भेड़ भेड़। आठ पे हमारे पास है ब, ब पर ए की मात्रा, बे स न वेसन। फिर नौ पे हमारे पास है क पर बड़े की मात्रा, कूदते कूदते। उसके बाद आखिर में हमारे पास है सितारे, स पर छोटी की मात्रा, त पर आ की मात्रा और र पर ए की मात्रा, सितारे। तो बच्चों यह कुछ शब्द हैं, यह कुछ शब्द हैं जिनको हमने पाठ में पढ़ा था और इन सभी शब्दों पर हमें एक ही मात्रा दिखाई दे रही है। और कुछ हमने नहीं भी पढ़ा है, कुछ और बाहर से भी लिखे हुए एक ही मात्रा वाले शब्द हैं। चलिए इनको हम पढ़ते हैं। स ह
पर ए की मात्रा हे, ल पर बड़ी की मात्रा, बड़ी की मात्रा भी पढ़ चुके हैं। और आप जानते हैं जहाँ कहीं भी हम बड़ी की मात्रा लगाते हैं तो उस शब्द को जोर दे करके पढ़ते हैं। तो ल पर, स पर, स ह पर ए की मात्रा, ल पर बड़ी की मात्रा, स हे ली, सहेली। उसके बाद मे ला, म पर ए की मात्रा मे, ल पर आ की मात्रा ला, मेला। स व पर ए की मात्रा वे, र पर आ की मात्रा रा, सवेरा। ज ल पर ए की मात्रा ले, व पर बड़ी की मात्रा बी, जलेबी। च म पर ए की मात्रा मे, ल पर बड़ी की मात्रा ली, चमेली। ड ल पर छोटी की मात्रा ली, य पर आ की मात्रा या, डलिया। भ ए की मात्रा भेड़, भेड़। ब ए की मात्रा बेसन, बेसन। क बड़े की मात्रा कूद, त पर ए की मात्रा ते, कूदते। स पर छोटी की मात्रा सी, तारे, सितारे। तो बच्चे बच्चों इस तरह से हमने इन सभी पर एक ही मात्रा लगा करके शब्द बनाए। फिर से एक बार हम पढ़ लेते हैं। स हे ली, स पर हे ए मिलाया हमने, हो गया हे। ल पर बड़ी की मात्रा मिलाई ली, सहेली। म पर ए की मात्रा लगाई मे, ल पर आ की मात्रा ला, मेला। स व पर ए की मात्रा वे, र पर आ की मात्रा रा, सवेरा। ज ल पर ए की मात्रा ले, व पर बड़ी की मात्रा बी, जलेबी। च म पर ए की मात्रा मे, ल पर बड़ी की मात्रा ली, चमेली। ड ल पर छोटी की मात्रा ली, य पर आ की मात्रा या, डलिया। भ ए की मात्रा भे, ड भेड़। ब ए की मात्रा बे, स न बेसन। क ऊ की मात्रा कू, द ते कूदते। स छोटी की मात्रा सी, तारे, सितारे। इस तरह से बच्चे बच्चों यह कुछ शब्द है, इनको आप लिखेंगे नहीं, अपने रफ कॉपी में लिखेंगे और लिख करके पढ़ने और लिखने दोनों का अभ्यास करेंगे। तो बच्चों चलिए हम आगे बढ़ते हैं पाठ में। आप देख सकते हैं हमारा जो अगला जो हमारा अभ्यास है बच्चों, उसमें यहाँ पे दो तरह के चित्र बने हुए हैं, दो तरह के चित्र बने हुए हैं। बच्चों आप जानते हो ये जो यहाँ पे चित्र बने हैं, आप अपनी किताब में भी देख सकते हैं, इसमें क्या समानता है, क्या समानता है बच्चों? अगर आप पेड़ की तरफ देखो तो आप देखेंगे इसमें क्या समानता है। आप देखेंगे कि एक है, क्या पहचान रहे किस चीज का पेड़ है ये? आप पहचान रहे हैं किस चीज का पेड़ है ये? ये किस चीज का पेड़ है, क्या आप पहचान रहे हैं? पहला पेड़ है बच्चों नारियल का, पहला पेड़ है नारियल का। और दूसरा पेड़ है केले का, दूसरा पेड़ है केले का। केले का भी पेड़ जो होता है उसके पत्ते बड़े बड़े होते हैं, और जो नारियल का पेड़ होता है उसके पत्ते भी बड़े बड़े होते हैं, ठीक है। तो ये एक केले का पत्ता है और दूसरा नारियल का पेड़ है। आप देख सकते हो केले लगे हैं, केले घर में होते हैं, ये केले लगे हैं और ये केले का पेड़ है। इसी तरह यह जो दूसरा वाला है यह नारियल का पेड़ है, इसके भी पत्ते इसी तरह होते हैं, कुछ कुछ आप देख सकते हैं इसी तरह पत्ते होते हैं। और दोनों में खासियत आप जानते हैं बच्चों, दोनों लंबे होते हैं पेड़, और दोनों के हर भाग का कुछ ना कुछ प्रयोग होता है। केले का हर भाग, उसके तले की भी सब्जी बनती है, फल भी खाए जाते हैं, पत्तों का भी उपयोग होता है, फूल का को भी खाया जाता है। तो ये ऐसे पेड़ हैं जिनके हर भाग को हम किसी न किसी से तरह से प्रयोग करते हैं। उसी तरह नारियल का भी है, जो नारियल के पत्ते की सीख होती है उससे हम झाड़ू बनाते हैं, जो नारियल के पत्ते की सीख होती है उससे हम झाड़ू बनाते हैं, और इससे हम छत भी बनाते हैं। इन पत्तों से जो कच्चे घर टाइप के घर होते हैं वो घर भी बनाए जाते हैं। तो ये है नारियल का पेड़, ना
री य ल, नारियल का पेड़ है और ये है केले का पेड़, केला, केला, एकदम सही तो नहीं बना है लेकिन फिर भी ये है केले का पेड़। और नारियल भी बहुत ऊपर ऊपर उगता है, आपने देखा होगा नारियल के पेड़ में भी नारियल बहुत ऊंचाई पर उगता है और जब भी हमें उसे नारियल को तोड़ना होता है पेड़ों की के ऊपर में चढ़ना पड़ता है। तो यहाँ पे हमारे पास दो पेड़ हैं, एक नारियल का है और एक केले का पेड़ है। आप इन दोनों पेड़ों को पहले तो ड्रॉ करोगे और उसके बाद उसके उस पे रंग भरोगे। तो ये दो पेड़ है बच्चों आपकी किताब में दिए गए हैं, इनको पहले बिंदियों द्वारा दिए गए, इनको आप पहले बना करके पूरा करोगे और उसके बाद इनमें रंग भरोगे। अब इन दोनों पेड़ में क्या समानताएं हैं, दोनों लंबे होते हैं मतलब बहुत घने नहीं होते हैं और जो केले का पेड़ थोड़ा छोटा होता है नारियल के मुकाबले, और नारियल का पेड़ तो बहुत बड़ा होता है, लेकिन दोनों बहुत उपयोगी होते हैं क्योंकि फल से लेकर के पत्तों तक सारा जो इनका हिस्सा होता है, भाग होता है, सभी किसी न किसी काम में उपयोग किए जाते हैं। नारियल का जो पेड़ होता है बच्चों उसके जो पत्ते होते हैं बड़े बड़े होते हैं, उनसे लोग अपने झोपड़ी के जो छत होती है उसको बरसात होने से पहले उससे ढक करके बनाते हैं, और उसके बाद जो नारियल की सीख होती है उससे झाड़ू बनता है, खोपरा जो फल होता है उसे हम कच्चा भी खाते हैं, पक्का भी खाते हैं, उसका पानी भी पीते हैं, उसके बाद जो उसका खोपरा निकलता है यानी कि नारियल का जो हार्ड वाला पार्ट होता है फल का, उससे भी हम बर्तन भी बनाते हैं, उससे हम कई प्रकार के मतलब दाल निकालने वाला बर्तन, सब्जी निकालने वाला बर्तन बनाते हैं या कड़छी जिसे हम कहते हैं हिंदी में, तो वह भी बनाते हैं। तो जितना भी नारियल का तेल भी बनता है और उसी प्रकार नारियल से तेल भी निकलता है जिसे हम बाल में भी लगाते हैं और उससे खाना भी बनाते हैं। उसी प्रकार बच्चों नारियल हमारे बहुत काम आता है और जो नारियल के ऊपर का सूखा वाला वो होता है उसको भी हम बहुत सारे कामों में लाते हैं। उसके बाद जो केले का पेड़ है, केले का पेड़ भी आपने देखा होगा, केले से हमें फल मिलता है और केले बड़े होने से पहले जो फूल उसके होते हैं उसकी हम सब्जी बनाते हैं, तने की सब्जी बनती है, पत्तियों पर हम खाना खाते हैं। तो केला भी ऐसा पेड़ है जिसके हर भाग का हम उपयोग करते हैं। तो ये दोनों ही पेड़ बहुत ही अच्छे माने जाते हैं और इनके फल भी बहुत पौष्टिक माने जाते हैं, खाने में भी अच्छे होते हैं और बाकी के बहुत सारे काम में भी आते हैं। आपने देखा होगा शादी वगैरह में अगर दक्षिण भारत में आप जाएं तो वहाँ पे केले के पत्ते में खाना भी खाया जाता है, किसी भी पूजा में, पाठ में केले के पत्तों का हम पूजा में भी प्रयोग करते हैं। इसी तरह से हम नारियल का फल जो होता है, नारियल जिसे हम कहते हैं, उसे भी हम पूजा पाठ में उनका प्रयोग करते हैं। तो इन दोनों पेड़ों का हम बहुत तरह से प्रयोग करते हैं। तो इसी के साथ बच्चों हमने बुक का अभ्यास तो खत्म कर लिया है, किताब का अभ्यास हमने खत्म कर लिया है, अब हम करेंगे हमारे जो कार्य पुस्तिका यानी कि क्लास बुक कॉपी का कुछ अभ्यास है। जैसे कि प्रश्न उत्तर हम कर चुके थे, अब हम करेंगे बहुविकल्पीय प्रश्न। अब यहाँ पे जो उच्च एक प्रश्न के साथ कई विकल्प दिए गए हैं, उन विकल्पों में से जो भी एक विकल्प सही है उस पर सही का निशान लगाएंगे। तो चलिए इन चित्रों को आप कलर करेंगे और इनके नाम लिखेंगे, पहले तो बिंदियों को मिला करके आप उन्हें बनाएंगे, उसके बाद फिर आप इनका गो रंग करेंगे। उसके बाद हमारा अगला है उचित विकल्प, उचित विकल्प, विकल्प चुनकर उचित विकल्प पर सही का निशान लगाओ, ना पर छोटी की मात्रा, नी शा न निशान लगाओ, सही निशान लगाओ। अब बच्चों ये है हमारा प्रश्न, अब इसके नीचे जो भी है उसे हम क्लासवर्क कॉपी में लिखेंगे, इस कार्य को हम क्लासवर्क कॉपी में लिखेंगे। तो हम अभी तक प्रश्न उत्तर कर चुके हैं, ये हमारा दूसरा प्रश्न है। अब इसका एक, इसका पहला है शहर से दूर किसका घर था, शहर से दूर, द पर बड़े की मात्रा, दूर किसका, द पर छोटी की मात्रा, की स का, किसका घर था, शहर से दूर किसका घर था। अब यहाँ पे बच्चों आप देख सकते हैं प्रश्न है शहर से दूर किसका घर था, हम सभी जानते हैं लेकिन पहले विकल्प देखते हैं, पाठ हम सभी को समझ में आ गया है इसलिए हम सभी को आंसर तो पता ही होगा। दादी का पहला विकल्प है
दादी का, दूसरा विकल्प है मामी का, मामी क पर आ की मात्रा का, और तीसरा विकल्प है नानी का, न पर आ की मात्रा, न पर बड़ी की मात्रा नी, क पर आ की मात्रा का, नानी का। अब बच्चों दादी का, दादी का, मामी का या नानी का, शहर से दूर किसका घर था, शहर से दूर नानी का घर था, तो हम यहाँ पे नानी का घर था के सामने सही का निशान लगाना है, शहर से दूर नानी का घर था। उसके बाद दूसरा है प्रश्न, बच्चे कहाँ घूमने गए, बच्चे ब आधा च पूरा च बच्चे क हाँ कहाँ घूमने, ख पर बड़े की मात्रा, म न पर एक की मात्रा ने गए, कहाँ घूमने गए, बच्चे कहाँ घूमने गए। यहाँ पे हमारे पास पहला विकल्प है मेले, म पर एक की मात्रा, ल पर एक की मात्रा ले, मेले मेले। दूसरा है खेत, ख पर एक की मात्रा खेत खेत, और तीसरा है बाजार, ब पर आ की मात्रा, ज पर आ की मात्रा और र बाजार। तो बच्चों बच्चे नानी के यहाँ जाने के गए तो वहाँ कहाँ घूमने गए, बच्चे कहाँ घूमने गए, बच्चे मेले घूमने गए, खेत घूमने गए या बाजार घूमने गए। तो हम यहाँ हम सभी जानते हैं कि पाठ में बच्चे खेत में घूमने गए थे या देखने गए थे, तो हम खेत के आगे सही का निशान लगाएंगे, बच्चे खेत देखने गए थे इसलिए हम यहाँ खेत के आगे सही का निशान लगाएंगे। अब तीसरा प्रश्न है बच्चों, प्रश्न तीन, खीरे ककड़ी और करेले कहाँ लगे थे, ख पर बड़ी की मात्रा, खीरे क क री, ज पर बड़ी की मात्रा री, खीरे ककड़ी और करेले और र और क रे, ल पर एक की मात्रा ले, खीरे ककड़ी और करेले कहाँ लगे थे। बच्चों खीरे ककड़ी और करेले कहाँ लगे थे, ल ग पर एक की मात्रा ले, ठ पर एक की मात्रा थे, कहाँ लगे थे। तो बच्चों पेड़ पर, प पर बड़े की मात्रा पेड़, पेड़ पर, पर पर पेड़ पर लगे थे, पेड़ पर लगे थे, घर पर लगे थे, घर र घर पर लगे थे, या फिर बेल बेल पर लगे थे। तो बच्चों पाठ पढ़ते समय मैंने आपको तीन प्रकार के पेड़ बताए थे, हिंदी के हिसाब से हमने तीन प्रकार के पेड़ बताए थे, एक बहुत बड़ा पेड़ जो ऊंचा होता है, घना होता है और छाया देता है, फल भी उसके ऊपर उगते हैं दूसरे पौधे बताए थे जो जमीन से बहुत ऊंचे नहीं होते, साधारण आकार मतलब साइज के होते हैं, और उसके बाद एक तीसरे तरह का पेड़ होता है जो थोड़ा कमज़ोर होता है और हरे बेलें होती हैं जो कि अपने सहारे नहीं खड़ी हो पाती हैं, उनमें भी दो प्रकार के होते हैं, कुछ तो जमीन पर रेंग कर आगे बढ़ जाती हैं और कुछ छतों पर या फिर खंभों पर या फिर किसी के सहारे खड़े होते हैं, तो उन्हें हम बेलें कहते हैं। तो जो हमारा खीरा ककड़ी और करेले हैं वो पेड़ पर नहीं उगते या पौधे पर नहीं उगते, वो बेलों पर होते हैं, तो इसलिए यहाँ पे हम लिखेंगे बेल पर, बेल बेल। तो खीरे ककड़ी जो होते हैं या फिर आपके करेले होते हैं ये सब बेलों पर उगते हैं, पौधों या पेड़ों पर नहीं उगते, ये बेलों पर उगते हैं। उसके बाद हमारे पास अगला प्रश्न है, बेल किस रंग के थे, प्रश्न है चार, ब पर एक ही मात्रा बेर र बेर, बेर किस, ब पर छोटी की मात्रा, किस रंग, रंग के, ग पर एक ही मात्रा के, थ पर एक ही मात्रा थे, बेर किस रंग के थे। बच्चों विकल्प हमारे पास है पीले हरे लाल, ब पर बड़ी की मात्रा पी, ल पर एक ही मात्रा ले, हरे ह र पर एक ही मात्रा रे या लाल, ल पर आखिरी मात्रा ला और ल लाल। तो बेल किस रंग के थे, बेल पीले हरे लाल। तो बच्चों जैसा कि हमने चाहते में पढ़ा जो बेल थे वो पीले रंग के थे, बेल पके हुए थे वह पीले रंग के थे, तो यहाँ पे हम लिखेंगे पीले, बेल पीले रंग के थे। तो बच्चों यह है
हमारा आज का अभ्यास, चलिए एक बार इसे दोहरा लेते हैं। उचित विकल्प पर सही का निशान लगाओ। शहर से दूर किसका घर था? शहर से दूर किसका घर था? शहर से दूर नानी का घर था। शहर से दूर नानी का घर था, तो हम यहाँ लिखेंगे नानी का, नानी के आगे सही का निशान लगाएंगे। बच्चे कहाँ घूमने गए? मेले, खेत या बाजार? बच्चे खेत घूमने गए, इसलिए हम खेत के आगे सही का निशान लगाएंगे। खीरे, ककड़ी और करेले कहाँ लगे थे? खीरे, ककड़ी और करेले कहाँ लगे थे? पेड़ पर, घर पर या बेल पर? खीरे, ककड़ी और करेले बेल पर लगे थे, इसलिए हमने यहाँ पे बेल पर के आगे सही का निशान लगाया। उसके बाद बेल किस रंग के थे? बेल किस रंग के थे? बच्चों बेल पीले रंग के थे, इसलिए हमने पीले के आगे सही का निशान लगाया। तो बच्चों इस तरह से हमने यह अभ्यास कर लिया है। इसमें कुछ और प्रश्न है जो हम अगले वीडियो में करेंगे, तो जो भी आज हमने किया आप उसे पढ़ लीजिएगा, दोहरा लीजिएगा और इन प्रश्नों को आप अपनी क्लास को कॉपी में लिख लीजिएगा। उसके बाद बच्चों और बाकी के जो अभ्यास थे उसे आप बुक में करेंगे और आप अगले वीडियो में एक बार हम फिर मिलेंगे। आप पढ़ करके दोहरा करके आइए ताकि आगे का अभ्यास पढ़ने में आपको या समझने में आसानी होगी। तो बच्चों इसी के साथ आज का वीडियो यही समाप्त होता है, कल एक बार फिर मिलेंगे, तब तक के लिए धन्यवाद।